नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं कराची बराए फरुख। जी हाँ नाज़रीन, हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे शहर कायद के मसाइल की, इदारे में छुपी काली भेड़ों की, करप्शन की और इदारे की नाअहली की। वो शहर कायद जिसे उर्सुल बिलाद कहा जाता था, आज उसे खंडर बना दिया गया है। उस कितनी करप्शन हो चुकी है इस शहर के अंदर। नाज़रीन, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मखदूम आदिल साहब, जो कि इन तमाम इदारों का, बल्कि इन इदारों में छुपी काली भेड़ों का पर्दाफाश करेंगे और हमें बताएंगे कि कौन मुलव्वस है, इसके पीछे किसका हाथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। सबसे पहले तो हमारे शो में खुश आमदीद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में आए। और कराची बराए फरोग जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम है, मैंने पहले भी जिक्र किया, आज हम बात करेंगे बहुत ही मखसूस जो है वो टॉपिक्स के ऊपर और ऐसी बातें जो शायद ही किसी ने की होंगी। तो सर, क्या कराची के हवाले से आपने पहले भी जिक्र किया था हमारे साथ, तो आज थैंक यू सो मच अगेन कि आप हमारे शो में आए ताकि हमारे व्यूवर्स को भी पता चल सके। तो कराची जो हमारे एक शो का नाम है कराची बराए फरोख, तो क्या इसका आप देखते हैं कराची के हवाले से, कराची की ज़मीनों के हवाले से, सारी चीज़ों के हवाले से? बहुत शुक्रिया आपने दावत दी। असल बात ये है, मैं ये पहुँचा हूँ कि हमारी जो कराची शहर हो या पूरे पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया हो, जो बुनियादी जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो तीन हैं, एक तो रिहाइश, एक खुराक और एक सैर। तो हम पहले लेते हैं आपके प्रोग्राम के उसे के लिए, यानी मकान, हम रिहाइश लेते हैं। सर यहाँ मैं आपकी बात थोड़ी सी काट रही हूँ, अभी आपने जैसे जिक्र किया रिहाइश की बात करते हैं, तो रिहाइश की बात तो हम तब करें ना। आप देखें ना, ज़मीन के ऊपर इतने कब्जे हो रहे हैं, आप क्या घर खरीदोगे? घर तो छोड़े, आप जमीन कैसे खरीदोगे? जमीन आपने खरीदी, कब्जा हो रहा है, तो कैसे, मतलब कैसे हो रहे हैं ये कब्जे? जी जी बिल्कुल, यही आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है। असल बात ये है कि कराची के जो है लैंड के, कराची की एराजी के कस्टोडियन जो है, जो जिम्मेदार हैं, जो लीजर हैं, वो हम ले लेते हैं तीन को। पहले उसमें एक तो KDA, फिर KMC लैंड है और फिर रेवन्यू लैंड। पहले हम लेते हैं KDA, जिससे आम शहरी जो शहर का यानी गुंजान आबाद इलाकों का होता है मुतासर शहरी, वो KDA। आप कोरंगी से लेके सरजनी और सरजनी से लेके लसबेला, लसबेला से लेके सारा ये घूम के आ जाएं तो ये है KDA। KDA की हमारा ये, इसने KDA ही ने मास्टर प्लान बनाया, KDA ही ने जो है वो इसको वो किया, यानी कराची को आबाद किया। जो सबसे बेहतरीन स्कीम थी कराची की वो थी नॉर्थ नर्स पर, उसके बाद आस्ते आस्ते करते हुए दूसरी आई और आखिरी जो थी स्कीम 41 जो सरजनी टाउन, और सरजनी टाउन 41 को ख़त्म हुए हुए, यानी आखिरी जो थी ये सरजनी टाउन थी स्कीम 41, KDA स्कीम 41। अब स्कीम 41 इसने किया, आज उसको समझें 80-70 में ये इंट्रोड्यूस हुई, KDA ने स्कीम मुतारिफ कराई, और आज तक 70 से आज तक सरजनी टाउन तो छोड़ें, आप पूरे कराची में जहाँ जहाँ KDA का बस चलता है वहाँ अगर आपका घर है तो गैर महफूज, और KDA की ज़मीन है तो गैर महफूज। क्योंकि बात यह है कि हुआ ये है कि कराची का जो बहुत सारे जो KDA जो इदारा है, इदारा तरक्यात कराची, उसमें जो अफसरान जितने हैं वो असल अफसरान तो जो थे पुराने, जो इंजीनियर्स थे, जो टाउन प्लानर्स थे, वो तो सब हो गए रिटायर। अब आ गए सारे सिफारशी और सारे अंदरूनेशन के ज़्यादातर। अच्छा, अब आप ये देखें कि कराची की आप लैंड ले लो, पहले हम कराची की लैंड ले लेते। अभी नॉर्थ नहर बाद एक ऐसा इलाका है जो किसी ज़माने में पोश इलाका कहलाता था, बाकी के लोग कहते थे अगर नॉर्थ नहर में यार एक, हाँ
ये डॉक्टर ईशर दुर्बार वहाँ रहते थे, बड़े अच्छे अच्छे लोग जो है नासमबाग में रहते थे। लेकिन आज उसका हाल पता ही क्या, जो केडीए की अपनी लैंड है, आज सिर्फ हम नासमबाग को लेते हैं, केडीए की जो अपनी लैंड है, जो ऑप्शन होनी है वो ऑप्शन नहीं हुई। अंडर द टेबल डील करके वो कब्जा करा लिया उसके ऊपर, वो कह हो रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर सारे खेल के मैदानों पे कब्जा, सुप्रीम कोर्ट का ये कल हाई कोर्ट का आज छपा है अखबार में कि सारी शहर की जमीन पर आपने कब्जा करके गोट्स बना दिए, आप मुझे ये बताइए कि शहर की अगर सारे वो नहीं है, खेल के मैदान ख़त्म, जो रफाई प्लाट थे जिन पे अस्पताल बनना था, किसी को वो था वो ख़त्म, जो केडीए के कमर्शियल प्लाट थे जिनको ऑक्शन करते तो उनकी आज 20 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए जो है कीमत होती, तो ऑक्शन नहीं हुए, ऐसी तमीरात शुरू हो गई। अगर कब्जे का सरकारी सतह पर ये, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि मेरी, मैंने सहाफत में कई यानी 30 साल से ज़्यादा हो गई, मैंने केडीए जैसा करप्ट इदारा आज तक नहीं देखा। तो आप मुझे ये बताएं कि कराची की जमीन पर हो कैसे रहे? हाँ, ये केडीए जो है ना, असल मास्टरमाइंड उसका केडीए। केडीए कैसे कर रहा है फिर? हाँ, केडीए वो ऐसा कर रहा है कि अगर आप जो है जो भी लैंड ग्रेबर्स हैं, वो लैंड ग्रेबर्स खरीद, अगर वो 2 करोड़ का प्लॉट है तो आपको 2 करोड़ में आप ऑप्शन नहीं होगा, वो 1 करोड़ में दे देंगे। और उसके पीछे क्या राज है कि आपसे एक खास माकूल नजराना ले लिया, आपको इजाजत दे दी, उसकी फाइल गायब हो गई। अभी हमारे एक रिपोर्टर ने इसके ऊपर, अमित अब्बासी ने इसके ऊपर एक वो की है, आप भले उनको लाइन पे लेके उनसे बात करें, आपको बताएगा कि क्या हो रहा है। जी, तो विवाद इस टाइम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर आबिद अब्बासी, इनसे बात करते हैं बलदियात के ऊपर, क्योंकि इनकी काफी सारी ग्रिप है और काफी सारा काम भी इन्होंने किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। आप मुझे ये बताएं, मुझे थोड़ा सा मुझे क्या हमारे तमाम व्यूअर्स को केडीए के हवाले से थोड़ा सा गाइड करें, जमीनों के हवाले से गाइड करें, क्या कराची में ऐसी कोई जमीन बची है जो कि केडीए के कब्जे में नहीं है? जी बिल्कुल, बड़ा एक ये अलमिया है इस वक्त के शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारा शहर कराची, यहाँ पर सरकारी अराजी भी जो है वो कब्जा माफिया और खुद सरकारी इदारों की जानिब से भी गैर मुतल्लिका इस्तेमाल कह लें उससे अब महफूज नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलूँ की गुलिस्तान जौहर है, इसकी 30 ब्लॉक 14 प्लॉट नंबर ST25, ये एक पब्लिक पार्क है, शहरियों के लिए पार्क था, नक्शे इसमें आप नक्शे में देख सकते हैं ये पार्क के तौर पर ये डिमार्क हुआ हुआ है। इस पर केडीए की जानिब से, इदारे तरक्कियात कराची की जानिब से, पहले तो इस पे कमर्शियल सरगर्मियां काफी अर्से तक जारी रही गैर कानूनी तौर पे, जबकि अदालती वाजे अदालती अहकाम है कि कोई भी पब्लिक पार्क या खेल का मैदान जो है किसी भी किस्म की तजारती सरगर्मी के लिए इस्तेमाल हरगिज नहीं किया जा सकता। 2017 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद है, वाजे अहकाम मौजूद है कि पब्लिक पार्क को आप किसी भी तिजारती सरगर्मी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बावजूद अदालती अहकाम की धज्जियां बखेरते हुए इदारा तरक्कियात कराची के मुबैना, मैं कहूंगा कि करप्ट अफसरान की आशीर्वाद से जो है सरकारी अराजी पर भी कब्जे का सिलसिला जारी है। जिस प्लॉट का हम जिक्र कर रहे हैं ST25, ये नंबर है ब्लॉक 14 गुलिस्तान जौहर, यहाँ पर पहले कमर्शियल सरगर्मियां, शादी हॉल्स और दीगर काम जारी थे, उसके बाद जो है केडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीरात गैर कानूनी तौर पर शुरू कर दी गई, जो कि सरासर अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी थी। उसके बाद अदालती अहकाम पे नोट बनने के बाद एक पटिशनर ने दोबारा केस फाइल किया कि ये खेलों का मैदान था, काफी अरसे तक खेलों का मैदान यहाँ पे नौजवानों के लिए सेहतमंद सरगर्मियों का ये मरकज रहा है, और अब यहाँ पर केडीए ने गैर कानूनी तौर पर अपना जाती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इस केस की भी हियरिंग हुई, अदालत आलिया ने इस पर भी काफी जज मौजूद जज साहिबान ने जो है अपने सख्त रिमार्क दिए कि केडीए जो है वो खेलों के मैदान को पब्लिक के लिए मुख्तसुदा पार्क
को किस हैसियत में अपना जाती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना सकता है। और फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने के लिए इनको हिदायत जारी की और वाजे तौर पर उस ऑर्डर में ये लिखा कि पार्क को सिर्फ और सिर्फ पार्क मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस जमन में डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, एडवोकेट जनरल के साथ साथ डीजी इदारा तरक्यात कराची केडीए को भी नोटिस जारी किए गए कि फौरी तौर पर मैदान से कब्जा खाली कराकर इसको आम शहरियों के लिए खोल दिया जाए। लेकिन अफसोसनाक तौर पर आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको आज की सूरत हाल से आगाह करूं कि इस वक्त भी वो पार्क जो है आम शहरियों के लिए, हमारे जराये के मुताबिक सोर्सेज इस बात को बताती है कि आज तक वो पार्क जो है वैकेंट है और उस पर ना किसी किस्म का कोई जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है, ना उस पर कोई ग्रीन ली की गई है, ना उस पर कुछ भी शहरियों के लिए कोई उस पर सहूलियात नहीं है। मतलब आम शहरी पब्लिक के लिए उस पार्क को आज भी वो पार्क खुला हुआ नहीं है। तो ये केडीए की लापरवाही है, गफलत है कि शहरियों का पार्क अदालती अहकाम के बावजूद शहरियों के सपुर्द नहीं किया जा सका। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी मैंने मखदूम साहब से भी ये सवाल किया था कि कब्जे की तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ये कब्जे हो किस तरह से रहे हैं, केडीए किस तरह से जो है वो जमीनों पर कब्जा कर रहा है, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि इंतहाई अफसोसनाक अमर है, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया और मखदूम आदिल साहब आपके साथ तशरीफ फरमाए, बहुत इनकी ग्रिप है बल्दियात में और इनसे ज्यादा मैं समझता हूं कि इनकी बड़ी गहरी निगाह इस तरह के मामलों पर। ये बेहतर आपको बता सकेंगे कि केडीए और दीगर सरकारी इदारों के अफसोसनाक तौर पर हमें कहना पड़ता है कि करप्ट अफसरान है चंद जो कि मुबैना तौर पर लैंड माफिया या कब्जा माफिया के साथ हाथ मिलाकर और उनकी आशीर्वाद के बाद ही ये कब्जे शुरू होते हैं। और ये एक गुलिस्तान जौहर की बात नहीं है, पूरे शहर में आप देख लें, कोरंगी टाउन देख लें, सरजानी टाउन देख लें, क्लिफ्टन देख लें, नाजमाबाद देख लें, गुलिस्तान जौहर स्कीम 33 पूरा गढ़ाप देख लें, सरकारी अराजियों पर धड़ल्ले से कब्जे जारी हैं बिला खौफ व खतर, जबकि वाजे अदालती अहकाम मौजूद हैं, उसके बावजूद ये समझ से बाला तारे कि किसकी एमा पर किसकी शह पर ये मुबैना करप्ट अफसरान जो है अदालती अहकाम को भी अब खातिर में नहीं ला रहे। जी तो इस तरह तो आम शहरी के लिए घर लेना, उसके लिए रिहाइश तो बहुत मुश्किल हो गई है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, आम शहरी के लिए रिहाइश भी मुश्किल है और आम शहरी इस वक्त हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी का, कराची का आम शहरी अपने बुनियादी हकूक से भी महरूम है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ आपको पता ही है, आप खुद कराची हाइट्स हैं कि यहाँ पे पीने के पानी का बुनियादी मसला है, यहाँ पे सैवरेज के मसाइल हैं, फरामी और नकासी आपके मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा दबा है, सड़कों का हाल आपके सामने है, ये भी केडीए का मैंडेट है, सिविल वर्क्स खराब है, नाले हमारे कचरे से भरे हुए, शहर डूब जाता है, यहाँ तो बुनियादी मसाइल का इस कदर फुकदान है और ऊपर से लैंड माफिया का एक अदाब शहरियों के सर पर मुसलत कर दिया गया। और मैं समझता हूँ ये सरासर हमारे सरकारी इदारों की और मुतल्लिका हुकाम की गफलत है और अब इस पे जो है अब सोचना पड़ेगा अदालती अहकाम को, अब इनको अमल करना पड़ेगा, मुतल्लिका इदारों को, उनके सरबराहान को अब सोचना पड़ेगा कि शहर और शहरियों की बेहतरी के लिए अब लैंड माफिया से कब्जा छुड़ाने की, लैंड माफिया से जान छुड़ाने का वक्त आ गया। जी थैंक यू सो मच आबिद, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अब ये देखिए एक और बात बताऊँ, अहम पोस्ट होती है वो सेक्रेटरी की, सेक्रेटरी के खिलाफ उसकी जालसाजी का आलम यह था कि वो डेपुटेशन पे वाटर एंड पावर गया, जब हुकूमत ख़त्म हुई तो इसको वापस केडीए भेजा, तो बजाय केडीए आने के उसने अपनी तरफ से एक लेटर बनाया और एफ्सा एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन उसमें जनरल मैनेजर के तौर पर चला गया, ट्रांसफर हो गया, जाली फेक। उसके बाद जनाब वहाँ शक हुआ लोगों का कि यार काबिलियत तो इसमें है नहीं, तो ये जनरल मैनेजर की पोस्ट पे आ गया, उनको छुपा हुआ चेक किया, सारे डॉक्यूमेंट डाली, एफआईए ने 2015 में एफआईए दर्ज की, एफआईआर। अच्छा, कल उसके दो गवाहों के बयान में वो आज भी सेक्रेटरी के लिए। अगर बात की जाए सरजानी टाउन की, तो सरजानी टाउन का तो ये आलम है कि वहाँ पर लोगों को ज़मीनें जो हैं उनके नाम पर भी कर दी गई हैं, लीज हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कब्जा माफिया है धड़ल्ले से जो है वो कब्जा किए बैठा है, पूछती हूँ कि कौन मुलविस है, इसके पीछे किसका हाथ है। जी आबिद साहब, मुझे ये भी बताएं कि मतलब सरजानी टाउन का आलम आपके सामने है, क्या मतलब वहाँ पर किसका हाथ हो सकता है, कौन मुलविस है कि लीज होने के बावजूद भी ज़मीनें जो है वो आप उसे अपनी नहीं कह सकते हैं, समझ लें कि वो भी फरोख्त है, बराए फरोख्त है, आप कोई भी आकर कब्जा कर सकता है उसके ऊपर, तो कौन मुलविस है इसके पीछे। असल में फिर यहाँ वही केडीए आ गया, केडीए आ गया, केडीए ही इस सारी लैंड का जिम्मेदार है।
जिन लोगों ने 30 साल पहले जो प्लॉट लिए थे, भाई जब वो रिटायर होगा तो बनाएगा, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए लिया होगा, किसी ने अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए लिया होगा। आलम ये है कि ना वहाँ का कब्रिस्तान महफूज है और ना जो है वो उस पर कब्जे हो रहे हैं। आज भी जो है वो लीज प्लाटों पर सेक्टर के ऊपर कब्जे हो रहे हैं। आप भले जो है वो ले रहे हैं, उसे हमारे कमाल हैं उसे रिपोर्टर, आप उनसे लाइन पे लें उनको। जी तो व्यूअर्स, अभी हम जो है वो कमाल साहब को लेते हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जो सरजानी टाउन और वहाँ की लीज ज़मीनों के ऊपर जिनकी अच्छी खासी ग्रिप है, वहाँ पे काम भी करते हैं, तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन उनसे लेते हैं कि वो इस हवाले से कितना जानते हैं और क्या हमें गाइड करते हैं। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम सीनियर रिपोर्टर कमाल मखदूम साहब, इनसे बात करते हैं सरजानी के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सरजानी टाउन का इस टाइम क्या उसकी सूरत हाल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वहाँ की ज़मीनों पर जो कि लीज ज़मीनें भी हैं लोगों के नाम कर दी गई हैं, उसके बावजूद जो है उसके ऊपर कब्ज़ा माफिया जो है वो धड़ल्ले से अपना कब्ज़ा जमाए बैठी है। कौन है इसके पीछे मुलविस, किसका हाथ है, आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, क्यों नहीं रिलीफ दिया जाता लोगों को कि वो आप उसकी पूरी कीमत भी अदा कर रहे हैं उसके बावजूद जो है वो कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा कर लेती है उस पर? जी जैसे कि मैं आपको बताता चलूं, सुरजानी टाउन की अभी इस ये पोजीशन है कि सुरजानी टाउन के कई सेक्टर्स पर अभी भी कब्जा माफिया के कारीगर जो है वो अपने काबिज हुए हैं और मुख्तलिफ शहरियों को, लटेश को, मासूम शहरियों को एक दफा कब्जा करके, दो दफा कब्जा करके, तीसरी दफा, फिर चौथी दफा एक ही जमीन को तो चार चार दफा बेची जाती है। अच्छा, तीन तीन चार चार दफा मतलब फरोख्त की जाती है, तो ये कौन कर रहा है, कौन मुलविस है इसके पीछे? ये प्राइवेट बंदे हैं जिसमें कारी अलीम है, कोई सारा अकबर चांडियो है, असद अब्बासी है जो है, जैसे कि शाबे बोट है इसमें है, और गुलशन बिलावल है, खानू ग्रोई बोट है, ये मुख्तलिफ सेक्टर्स में गोट आबाद के नाम से स्कीम मुतारिफ कराई जाती है जो शहरियों को बताया जाता है कि जैसे गोट मुतारिफ कराया गया है, मगर वो पहले की जमीन होती है वो पहले ही शहरियों को बेची जा चुकी होती है। Okay. जब केडीए से रब्ता करते हैं तो केडीए से पता चलता है भाई ये तो फलाने के नाम से पहले है। Okay. उसी पे वो खाली जगह देख के वो काबिज होते हैं वो ग्रुप, और अपने कारिंदे बिठा के बकायदा मुसल्ला कारिंदे बैठते हैं वहाँ, उनका एक दफ्तर बनाया जाता है जिसमें गाड़ियाँ और गार्ड बाहर बैठे होते हैं दिखाने के लिए ये लोगों को कि ये बकायदा एक सोसाइटी लॉन्च की जा रही है, और उनको ब्रोशर भी बांटे जाते हैं हर चीज के एक वो बकायदा, और इसमें नाम दिया जाता है एक सिस्टम है जिसको एक नाम कब्जा माफिया की जाने का नाम दिया जाता है, ये सिस्टम के मुताबिक सारा काम होता है। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम हमारे के लिए साइड ऑफिस से भी हमने रब्ता किया, कई जमीनों पे उनसे मौकूफ किया गया जाना, तो उन्होंने बताया हमारी तरफ से आला काम को भी नोटिस हमने लिखे हैं इनके खिलाफ, इनकी निशानदेही कराई है, मुतालिका पुलिस को भी कराई है, डीआईजी वेस्ट है नासिर आफ्ताब साहब उनको भी कराई है, एसएसपी वेस्ट है उनको भी निशानदेही कराई जा चुकी है। इसके बावजूद ये कब्जा माफिया यहाँ बैठ के मुसल्ला कारिंदों के जरिए एक जगह पे कब्जा करते हैं, उस पे चार दीवारी करते हैं, और ये रातों रात चार दीवारी होती है। अच्छा, जैसे सुल्तानी टाउन का 10-7 है, सेक्टर 10-7 मैं आपको बता दूँ, खानू ग्रोई बोर्ड एक इन्होंने मुतारिफ कराया गया है, जो ये चौथी बार मुतारिफ कराया गया है इसको, ये पहले एक दफा मुतारिफ कराया बकायदा सोसाइटी के नाम पे, इन्होंने ब्रोशर बांटे और अपने पंपलेट लगवाए और हर किस एक्टिविटीज में उन्होंने उसको चार दीवारी फिर केडीए की तरफ से लीज मार की गई। उसके बाद थोड़े अरसे के बाद फिर वो जगह इन्होंने प्राइवेट बंदे ने चार दीवारी करके उसको उठाया, फिर वो मार की गई केडीए की तरफ से, और अब ये चौथी दफा ये मुतारिफ कराई गई है जो शहरियों को जाली फाइलों के जरिए प्रोव की जा रही है। तो कमाल मुझे ये बताएं कि इन सब के खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं है? एक्शन लिया जाता है, जैसे आपको बताता चलूँ पुलिस भी अपनी कार्रवाई करती है, मगर पुलिस में भी कुछ ऐसी काली भेड़े मौजूद हैं जो कार्रवाई के लिए पुलिस अपना मुतालिका एस एच ओ जो है वो उनसे पूछो तो वो बोलते हैं हमारी नफरी जाती है, मगर वो उससे पहले ही वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि साइड ऑफिस की तरफ से कई दफा ऑपरेशन किया गया, मतमार किया गया, उनको भी उसका सामना करना पड़ा, बट काफी
उसने अभी कुछ अर्सा पहले फुरदानी टाउन में ऑपरेशन किया गया था एक साइड ऑफिस की जानिब से, उसने मुतालिका पुलिस ने भी, रेंजर्स ने भी और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स है उसने भी हिस्सा लिया। वो काफी बड़ी एकड़ पे अराजी थी गई, उसको मसमार किया गया। अब वो दोबारा उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया। अच्छा कमाल, मुझे ये भी बताइएगा कि कोई ऐसी खास जमीनें होती हैं, लाइक अगर वो ज्यादा जमीन है उस पे केडीए कब्जा करती है या फिर वो किसी भी जमीन पर कब्जा कर जाते हैं? नहीं, वो किसी भी जमीन पे वो बैलेट होनी चाहिए, बस खाली आनी चाहिए उसको कि ये जगह है और ये खाली है। तो मतलब यही हुआ कि जगह को खरीद जी। ठीक है कमाल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। अच्छा होता क्या है पता है? होता ये कि केडीए का एक सेक्टर है, वो आपका भी प्लॉट है, इनका इनका सबका, अचानक लैंड माफी आ गया। उन्होंने देखा अभी तो आप नहीं बना रहे, चार दीवारी की उन्होंने सिरास टाउन कर लिया, बेच दिया तीन तीन चार चार लाख, पाँच पाँच दस दस लाख में एक प्लॉट। अब 120 का उसका अगर 5 से 10 लाख मिलेगा, हर आदमी ले लिया। फिर क्या किया कि इतने केडीए को इशारा कर दिया, केडीए ऐसा को भगा दिया, चलो भाई खत्म हो गई। फिर मैं आ गया, मैंने पुलिस को केडीए को पैसे दिए, अपनी चार दीवारी बनाई, अब शिराज नहीं नौरोज टाउन हो गया। फिर भेज दिया, चार चार दफा इस तरह बिक रहा है। हाँ से बिक रहा है। तो क्या देखते हैं मखदूम साहब के हम लोगों को जमीन लेके फौरी तौर पर उस पर अपनी रिहाइश करनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, लेकिन देखे ना हर आदमी की मजबूरी है, मजबूरी वो है। उसका अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्डेबल दस वजूहत है। तो कोई ऐसी कोई है सोल्यूशन के हम जमीन लेके उसके ऊपर कुछ ऐसा जो अफोर्डेबल हो, कोई ऐसी ट्रिक, कोई ऐसी बात कि हम वहाँ पर मतलब जैसे चार दीवारी की भी जैसे आपने बात की, तो अगर हम चार दीवारी भी करते हैं तो भी क्या वो जमीन महफूज नहीं है? देखिए बात ये, जब तक यहाँ सिस्टम चलेगा जब तक तो आप छोड़ दें। ठीक, एक सिस्टम मजबूत है जो नजर नहीं आता, वो सारे अफसरान को तैनात करता है, सारे उनको वो करता है। अब मुझे बताइए कभी सुना है कि पुलिस से ज्यादा ताकतवर लैंड ग्रैबर हो? जब लैंड ग्रेबर आ जाते ना पुलिस नहीं आती, नहीं आती। जब तक वो बेच के बताएं कि सर हो गया, अपना हिस्सा ले लो अपना हिस्सा ले लो, फिर इतने में पुलिस आ जाएगी, सारे आएंगे केडीए तोड़ देगी, सब हो गया, चार दीवारी खत्म, जो बुकिंग ऑफिस है खत्म, उसके बाद अगला देखेंगे। फिर चार छः एक साल, चार महीने छः महीने सर्कल एक्सचेंज चल रही है, फिर एक्सचेंज चल रही है। जी नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना भी फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपकी क्या राय है केडीए के हवाले से, इन ज़मीनों के हवाले से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।